नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो मैं आज आपको क्या कराऊंगा, मिसिंग नंबर के इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। और अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो 20-25 टाइप्स के क्वेश्चन इस प्रकार के करके चले जाते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम में इस प्रकार का एक ना एक टाइप जरूर आ जाएगा, पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आज आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। जो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, आज आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं पूरा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आज आपको इसको सोल्व करने का माइंडसेट बताऊंगा कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर आप एक कंसेप्ट को करके जाते हैं अच्छी तरह से, उस पर उसके फिर 20-25 टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो को एंड तक देखें, फिर आपको ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कि ये सोल्व कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं आपको इसे करने का माइंडसेट बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। जब इस तरह का क्वेश्चन आए ट्राइंगल वाला, फिर हमें सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। पहला स्टेप तो हमारा ये होगा, क्वेश्चन मार्क सेंटर में है, मतलब हमारी ये फाइनल वैल्यू है और हमें इन नंबरों से खेल कर इस वैल्यू को लेकर आना है। उसके बाद हम इसके साथ का दूसरा डायग्राम देखेंगे जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा, मतलब फाइनल नंबर हमारा ये है और बाकी के इन नंबरों से हमें इस वैल्यू को लेकर आना है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ था, उसके साथ वाली वैल्यू को देखकर हमें इसे फाइनल आंसर समझकर इन वैल्यू से इस नंबर को लेकर आना है। तब हम कैसे लाएंगे, इस तरह के सम को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले जैसे ये कॉर्नर के नंबर हैं, इनको आपस में सोल्व करना होता है। इन कॉर्नर को नंबर को सोल्व करके एक नंबर आएगा, तो उन तीनों नंबर से ये वैल्यू आएगी। इस तरह को सम को सोल्व करने का यही कॉन्सेप्ट है कि पहले कॉर्नर को सोल्व कर लो, कॉर्नर से जो नंबर आएंगे उसके बाद ये वैल्यू आएगी। अब हम सोल्व करने का तरीका देखते हैं, सोल्व कैसे किया जाएगा। पहले तो ये नंबर देखा जाएगा जो फाइनल आंसर है, ये स्मॉल अमाउंट है या बिग अमाउंट। अगर ये स्मॉल अमाउंट आप देख रहे हैं 12 है, अगर मान लो यह लार्ज अमाउंट होती 412 या 515 ऐसी अमाउंट होती, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि चार तरह के ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, या प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। पर यहाँ पर देखोगे आप, ये नंबर छोटा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, या प्लस होगा या माइनस होगा या डिवाइड होगा। डिवाइड तो होगा नहीं, अभी प्लस माइनस हम देखते हैं कैसे होगा। पहले हम अगर इन्हें प्लस करते हैं, 16 और 12 करेंगे 38 हो जाएगा। आगे आगे प्लस करेंगे तो मतलब ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, इसका मतलब ये प्लस नहीं लगेगा। माइनस लगा कर देखते हैं, तो अगर 16 को 12 में लेस करेंगे कितना आएगा, 4। 18 को 14 में लेस करेंगे तो आएगा 4। 17 को 13 में से लेस करेंगे तब भी आएगा 4। अब हमारे पास 4 4 4 आ गया। अब 12 लेकर आना है, तो सीधा पता लग रहा है ना, 4 4 8 4 12। अगर तीनों को जोड़ देंगे, 4 जमा 4 8 जमा 4 12, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस सम को सोल्व करने का माइंडसेट होना चाहिए हमारा। पहले हमें देखना है कि फाइनल आउटपुट कौन सा है, हमें ये लेकर आना है, उसके बाद कॉर्नर की वैल्यू को आपस में सोल्व करना है, उसके बाद ये वैल्यू लेकर आनी है। ये होता है कॉन्सेप्ट। इसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा, पर ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर माइनस होकर 4 है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा देगा, लॉजिक लगा देगा या और कोई लॉजिक लगा देगा। पर कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है कि हमें हरदम पहले कॉर्नर वाली वैल्यू को सोल्व करना है, उसके बाद ये फाइनल वैल्यू हमें लेकर आनी है। तो चलिए अभी ये सोल्व करते हैं। 23 में से 18 के कितने आएंगे, 5। 24 में 19 कितने, यहाँ पर भी 5। 25 में 20, 5, मतलब 5 जमा 5 जमा 5, इसके आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा 15। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 15, ये होगा हमारा आंसर। इसी तरह हमें सोल्व करना है, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये है, दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। आप एग्जाम देखते हुए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ कि इसे सोल्व कैसे किया जाता है। मैंने दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, दूसरा और तीसरा, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो हम वही क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसे सोल्व करने का तरीका है, मतलब इन नंबरों से, या इसको दो सोल्व करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो ये ऊपर से नीचे सोल्व होगा या ये लेफ्ट से राइट सोल्व होगा। बस दो ही तरीकों से ये सोल्व हो सकता है, या ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर है और उसके बाद हमें पहला स्टेप तो ये देखना है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट। अब इसमें से भी कौन सा सोल्व होगा, उसका सिंपल ही एक ही ट्रिक है कि आपको इस जो डब्बे हैं, इसमें जो नंबर हैं, उसमें ये देखना है कि सबसे बड़े नंबर कहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो 69 और 91, ये इन सब में सबसे बड़े नंबर हैं, है ना। तो इसका मतलब यही है कि ये ऊपर से नीचे ही सोल्व होगा, लेफ्ट से राइट नहीं सोल्व हो सकता। कैसे, जैसे ये आप सेकंड क्वेश्चन देखें, पहले ये कराऊंगा पर आप समझ लें। इसमें जैसे बड़े नंबर देख रहे होंगे 34 61 25, ये तीनों नंबर बड़े हैं, तो ये हरदम लेफ्ट से राइट सोल्व होगा इस तरफ। इसमें नीचे हैं तो ये ऊपर से नीचे सोल्व होगा। चलिए अब सोल्व करके मैं आपको बताता हूँ कैसे।
अब हमें जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके साथ वाला देखेंगे, चाहे ये देखिए चाहे आप ये देखिए। चलो पहले ये देख लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। और इसे सोल्व करना कैसे है, मैंने बताया आपको ऊपर से नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ बड़ा नंबर है, अगर यहाँ पर बड़ा नंबर होता है इस तरफ तीनों बड़े नंबर होते हैं, तो लेफ्ट से राइट सोल्व करते हैं। अब हमारी वैल्यू ये आनी चाहिए, तो हमें देखना है कि ऊपर ये अमाउंट है, यहाँ पर क्या 7 4 2, अगर हम इसे प्लस करेंगे आपस में तब ये नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए 7 4 11 तो 13, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इन सबसे। तो यहाँ पर एक ही कंसेप्ट लग सकता है मल्टीप्लाई वाला, क्योंकि जब अमाउंट एकदम से बड़ी हो जाए ना, तो हरदम मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए आप देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 7 को 4 से करेंगे 7 चौके 28, 28 दूनी 56, तब भी ये 69 बड़ा है। तो इसमें अब मल्टीप्लाई में भी ऐसा करना होगा कि हमें इस नंबर को और बड़ा लार्ज कर दें तो ये नंबर आ सकता है। तो एग्जामिनर ज़्यादातर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो वो स्क्वायर और क्यूब यानी वर्ग और घन पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनाता है, उसी को प्लस माइनस करता है। तो आपको स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर यही लगते हैं। तो देखिए अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कर दें कितना होगा 16, और 2 का स्क्वायर कर दें कितना होगा 4। अब इसे आपस में जोड़ के देखते हैं, 16 4 20, 20 और 49 कितने हुए 69, तो हमारी ये फाइनल वैल्यू आ गई। फिर हमें पता लग गया कि मतलब कि इसका स्क्वायर करके ये वैल्यू आ रही है। अगला भी देख लें, अगर 3 को स्क्वायर करेंगे 9, और 9 का स्क्वायर 81, 81 9 90, 90 एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 90 91। हमें समझ आ गया कि इसका स्क्वायर करके ये वैल्यू आ रही है। अब सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25। तो 36 4 कितना हुआ 40, और 40 25 कितना हुआ 65। तो हमारा आंसर क्या होगा, 65 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, समझ गए ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। बस आपको समझना है कि आपको उलझना नहीं है, कई लोग बच्चे भी उलझ जाते हैं स्टूडेंट्स में किसे सोल्व कहाँ से करना है, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सोल्व कैसे करना है, किस माइंडसेट से इसे सोल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये नंबर बड़े हैं लार्ज, तो ये 100 या 10% श्योर है कि क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। अब ये देखते हैं, ये हमारी यहाँ पर फाइनल वैल्यू आनी चाहिए, तो मतलब हम इसमें से किसी को, चलो मान लो इसको फाइनल वैल्यू मान लेते हैं, ये फाइनल वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क ये है ना। अब इस नंबर से हमें ये नंबर लेकर आना है। अब आपको पता है कि प्लस करके तो ये आ नहीं सकता, 5 3 8, इसमें मल्टीप्लाई का ही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि ऐसे जब वैल्यू जब एकदम से बड़ी हो जाती है तो हरदम मल्टीप्लाई का ही कंसेप्ट लगता है। अगर हम 5 को 3 से 15, ये है 34, मतलब उसे दुगना है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर या क्यूब का ही कंसेप्ट लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब पर ही पूछता है, ये मैंने सब एग्जाम से ही क्वेश्चन उठाए हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करते कितना आएगा 25, और 3 का स्क्वायर करते कितना आएगा 9, अगर आप 25 और 9 को जोड़े कितना आ गया 34 आ गया ना, इसका मतलब इसको भी ऐसे किया गया। हम ये वाला करके देखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 9 कितना है 25, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 25। अगर आगे भी करके देख लो, देखो 4 का स्क्वायर कितना था 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, मतलब यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड किया गया, यहाँ पर ऐसे करना है। अब इस तरह आशा करता हूँ कि ये वाला आप सब कभी गलत नहीं करेंगे, आपको पता लगे इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्क्वायर करके आंसर आए, कहीं पर क्यूब करके आंसर आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि ये सबको सोल्व करना कैसे है, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो अगर हमें शुरुआत पता लग जाए कैसे करनी है, तो हम सबको सोल्व कर लेंगे। आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी SSC में पूछा गया, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले वही क्वेश्चन मार्क देखना है, मैंने कहा ये मतलब हमारा फाइनल आंसर ये यहाँ पर आना चाहिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। मार्क हमें अब इन नंबरों से खेलकर ये वैल्यू लेकर आनी है। हम कैसे लाएंगे, सबसे पहला तरीका हम देखेंगे कि ये नंबर छोटा है या बड़ा। अगर बड़ा नंबर है तो समझ लो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगेगा, 110% श्योर है। अगर नंबर बड़ा नहीं है तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट भूल जाओ, मल्टीप्लाई लग ही नहीं सकता। नंबर आप देख रहे हो कि 7 8 9 6, मतलब लगभग बराबर ही नंबर है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का कंसेप्ट तो लग ही नहीं सकता। कौन सा अब कैसे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सोल्व होगा, अब हम इसे देखेंगे। पहले हम इसको ऐड करके देखेंगे, 7 8 15 15 6 21, नहीं ऐड भी नहीं होगा क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है। अब लेस करके देखते हैं कि लेस करके आंसर आता है, अगर 8 में 7 घटा दें 1 और 6 7, ऐसे भी नहीं आ रहा। फिर इसको ऐड करके देखते हैं, 7 8 कितना हुआ 15, और 15 में से अगर 6 घटा दें कितना आएगा 9, हाँ 9 ही आंसर है। क्योंकि ऐड और लेस इन दोनों को हमें बस अपना माइंड जल्दी से रैशनल माइंड से हमें सोचना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, और हमें प्लस माइनस करके जल्दी जल्दी सोल्व करके देख लेना है। तो ये देखो आप इसे 15 प्लस कर रहे हैं, 15 आ रहा है नीचे, इस वाली वैल्यू को लेस कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 9। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ये वाली भी चलो चेक कर लेते हैं, 6 और 7 कितने हुए 13, और 13 में से अगर 5 को लेस करते हैं कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पर। इसको देखते हैं, 4 और 5 को प्लस करेंगे कितना आएगा 9, और 9 में से 2 लेस कर देंगे कितना आएगा 7, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 7।
इस तरह के सबको ऐसे सोल्व करना है। अगर क्योंकि इस तरह के बहुत तरह क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी किया, जैसे इसको ऐड करना है नीचे लेस करके ये वैल्यू आ रही है। हरदम हमें पहले क्वेश्चन मार देखना कि हमारा फाइनल आंसर लाना कहाँ पर है, क्योंकि हमें शुरुआत और आखिर पता होना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब ये हमारा फाइनल है, हमें इन नंबरों से खेल कर इस वैल्यू को लेकर आना है। बस आप इतना समझ के रखिए, आप कैसे भी प्लस माइनस करके हमें ये वैल्यू लेकर आनी है, वो आपके ऊपर है आप कितना जल्दी करते हैं। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप जल्दी सोल्व कर लेंगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन सब हमको करने का माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, कैसे हम इन सबको शुरुआत कैसे कहाँ से करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। सबसे पहले हमें वही क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, सेंटर में, मतलब हमारी फाइनल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू है हमारी, हमें अब इन नंबरों से इस वैल्यू को लेकर आना है। समझ गए ना, फाइनल वैल्यू हमें सबसे पहले फाइनल वैल्यू ही देखनी है, क्वेश्चन मार्क को देखना है और फाइनल वैल्यू हमारी ये है, ये वाली। तो हमें अब इस वैल्यू को लाना है इन चारों से, और सबसे पहले चलो इसको देखते हैं, इसको सोल्व करना है हमें। तो ये देखें 65 है और ये नंबर आपको देख रहे हैं छोटे हैं, तो इनसे अगर ये लाना है पक्का ये इसमें मल्टीप्लाई का कंसेप्ट कहीं ना कहीं लगा ही होगा। सबसे पहले हमें ये सोच ही लेना है, नंबर को देख लेना कि बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है। अगर आप ये देख रहे हैं 7 है, 2 है, ये 65 है, एकदम से बढ़ रहा है ना ये वैल्यू, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर पक्का है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई तो जरूर यहाँ पर होगा। तो चलिए अब करके देखते हैं। अगर मान लो हम 7 × 14 कर लेते हैं, 7 × कितना होगा 14, और 15 × 5 = 75, नहीं ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से देखते हैं, अगर ऐसे नहीं होगा, अगर पहले ऐसे करके देखना उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, तो फिर इस तरफ करके देख सकते हैं, 15 × 7 = 105, नहीं ऐसे भी नहीं हुआ। अब इसको क्रॉस करके देखते हैं, अगर हम करें 5 × 7 कितना हुआ, तो इसकी वैल्यू आई 35, और 15 × 2 कितना हुआ 30, और 30 और 35 को अगर आपस में जोड़ें तो कितना आएगा 65। हाँ, ये इस तरह का सोल्व हो सकता है, क्रॉस करके सोल्व कर रहे हैं। अगर हम 7 × 5 कितना हुआ 35 और 15 × 2 = 30, तो 30 और 35 को प्लस करेंगे कितना आएगा 65। ये RRB का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो ALP की एग्जाम हुए थे ना उसमें से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो देखो 5 × 7 = 35 और 15 × 2 = 30, तो 65 हो गया। अब इसको यहाँ पर भी अगर हम ट्राई करके देखते हैं, 3 × 2 कितना हुआ 6 और 5 × 20, तो 20 और 6 कितना होगा 26। अभी हमें कन्फर्म हो गया कि इसी तरह ये सॉल्व होगा, यही पैटर्न फॉलो किया एग्जामिनर ने। तो 3 × 4 कितना होगा 12 और 5 × 7 कितना होगा 35, और 35 को 12 में जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा 47। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा, फाइनल रिजल्ट हमारा ये है। अब हमें इन नंबरों से लाना है प्लस माइनस कैसे, मैंने बताया अगर वैल्यू एकदम से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई, नहीं तो प्लस माइनस ही आएगा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और स्टूडेंट देखे इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसे शुरुआत कहाँ से करनी है। वही मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे की जाती है, जितने भी मैंने सब समझाया है यही आपको समझा रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से करते हैं। अब ये सब देखिए, सबसे पहले वही क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमारा मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए। अगर ये फाइनल रिजल्ट है तो मतलब यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट है, ये भी और ये भी, ये हमारे फाइनल रिजल्ट है, इनसे हमें ये वैल्यू लेकर आनी है। और ये वैल्यू आएगी कैसे, मतलब ये तो ये आपको हरदम बांट लेना है, ये इतना पोर्शन समझिए अलग है, जब भी इस तरह का सम आए समझ लीजिए इतना पोर्शन अलग है, ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं इन दोनों नंबरों से ही आई होगी। उसी प्रकार ये वैल्यू इन दोनों नंबरों से आई होगी, ये वैल्यू इन दोनों नंबरों से आई होगी, और ये वैल्यू इन दोनों नंबरों से आई होगी। तो ये इस फाइनल रिजल्ट को मान के चलते, ये फाइनल रिजल्ट है ना हमारा, इस 49 से देखते हैं कि इन 3, 4 से 49 कैसे आएगा। आपको पहले उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, ये वैल्यू एकदम से बढ़ रही है ना 3, 4, इसका मतलब 110% श्योर है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगा हुआ है। अब आपको देखना कि कैसे सोल्व करना है, पहले आपको सिंपल इसे सोल्व करना है, 3 × 4 कितना हुआ 12, नहीं आया, अभी भी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो आप समझ जाइए कि इसमें स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट लगा है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर तब भी उससे वैल्यू बड़ी है ना, तो आप ये समझ के चलिए कि स्क्वायर या क्यूब का ही कॉन्सेप्ट लगा है। तो अगर आप देखो 3 × 12, 12 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 144, नहीं अभी वैल्यू छोटी है, तो अकेले अकेले का स्क्वायर करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 × 9 = 25, अभी भी वैल्यू बड़ी है। इस प्रकार भी अगर वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसको पहले ऐड करके देख लेते हैं, 3 और 4 को जोड़े कितना है 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया क्या कितना है 49, हाँ 49। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर से ही वैल्यू आई, जब हमने देखा कि यहाँ पर वैल्यू एकदम से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई स्क्वायर का ही कंसेप्ट लगा हुआ, इतना तो हमें उसी टाइम पता लग गया था। तो जैसे ही मैंने इसे आपस में जोड़ा और इसका स्क्वायर किया तो 49 आ गया। अगर हम आगे भी देखें तो 8 × 2 कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर किया हुआ 100, और यहाँ पर देखते हैं अब इस हमें कन्फर्म हो गया कि इसको आपस में जोड़ के स्क्वायर किया गया है, तो 12 और 5 कितने हुए 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, इसका आंसर कितना होगा 289। अब आपको इस क्वेश्चन से डरना नहीं, अब आपको समझ आ गया ना हरदम, जहाँ पर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है समझ लो ये फाइनल वैल्यू है, ये सभी फाइनल वैल्यू होती है,
और उनको इस पोर्शन को सोल्व करना होता है, इन दोनों वैल्यू से लेकर आना है। बस आपको पैटर्न समझ आ गया, अब आपको किसी भी प्रकार से इन दोनों नंबरों से ये वैल्यू लेकर आनी ही है, यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल वाले क्वेश्चन। जब सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसे सोल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए? तो इसे दो ही तरीकों से सोल्व किया जाता है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को ले लिया है, ये दोनों एग्जाम में अहम क्वेश्चन है। देखिए पहला कैसे सोल्व होता है, जैसे हमें ये गिन लेने 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 पार्ट्स बने हुए ना, इन सम को सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो ये आमने सामने से सोल्व होंगे, या ये क्लॉकवाइज सोल्व होंगे, या एंटी क्लॉकवाइज सोल्व होंगे। बस इसी तरह का सोल्व हो सकते हैं और इनका कोई तरीका नहीं होता। हमें सोल्व करने से पहले समझना चाहिए ना कि हम किस तरह किस पैटर्न को फॉलो करें। तो या तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आमने सामने सोल्व होंगे, या क्लॉकवाइज सोल्व होंगे, या एंटी क्लॉकवाइज सोल्व होंगे। तो चलिए जैसे ये सम है, तो ये सम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें पार्ट्स हैं, या तो ये आमने सामने सोल्व होंगे या क्लॉकवाइज। अगर हम इसको क्लॉकवाइज देखते हैं तो 9 के बाद क्या है 11, हाँ 9, 2, 11 हो रहा है, 11, 2, 13, लेकिन 13 के बाद वैल्यू एकदम बढ़ रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज तो नहीं सोल्व हो सकता। जब एंटी क्लॉकवाइज देखें, अगर क्लॉकवाइज नहीं सोल्व हो रहा है क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज भी इससे सोल्व नहीं होगा। तो बचा कौन सा कंसेप्ट, ये आमने सामने ही सोल्व हो सकता है। तो आमने सामने देखते हैं, तो जैसे 9 के सामने क्या है 90, तो 9 और 90 आपको कुछ समझ आ रहा है कि 9 के बाद 90 कैसे आएगा? अगर 9 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10, 9 दया 90, मतलब उससे अगली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। 11 के सामने क्या है 132, तो 11 और 132 कैसे आता है? अगर आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आ गया। तो हमें समझ आ गया कि इससे अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ रही है। तो 13, अगर 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना आएगा आप बताइए? 13 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा? 182। इसका आंसर क्या होगा? 182। ये होता है कंसेप्ट कि हमें पता लग गया कि आमने सामने होगा। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, यहीं पर 9 है तो यहाँ पर 15 कर सकता है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 17 कर सकता है, मतलब 6 भी ऐड कर सकता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, मतलब कोई भी टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। पर आपको कॉन्सेप्ट समझ के रखना है कि हरदम इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या उसके सामने सामने वैल्यू से ही सोल्व होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ये देखते हैं, मैंने इसको भी क्वेश्चन को उठाया, ये भी एग्जाम में पूछा गया, 8, 27, 64, 125, 323, 512। आमने सामने अगर सोल्व करके देखिए 27, 512 ऐसे नहीं होगा। आपको ये वैल्यू देखकर, अगर आप एग्जाम की सही से तैयारी कर रहे हैं तो समझ आ गया होगा कि अगर आप ये वैल्यू को देख रहे हैं तो आपको ये वैल्यू याद आ रही होगी कि किस प्रकार की वैल्यू देख रहे हैं आपको। आपको देखने पता लग रहा 8 ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और 9 का क्यूब भी हमें बताना है। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। ये देखने पे ये वैल्यू हमें पता लग गई कि ये तो क्यूब की है। अगर आपको कम से कम 15 तक क्यूब और 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको बस आप उससे सोल्व कर लो, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन आपके साथ बाहर नहीं आएगा। मैं आपको सभी तरह के कंसेप्ट में करा दूंगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। और इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ। पहले आपको क्वेश्चन मार्क देखा, ये एकदम आउटर में ही होगा, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है ना। अब इसे कैसे करना है, देखो इस तरह का क्वेश्चन हरदम दो तरीके से सोल्व होगा, या तो क्लॉकवाइज सोल्व होगा या एंटी क्लॉकवाइज सोल्व होगा। बस दो ही तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के, और एक तरीका एग्जामिनर नया पूछने लगा है, सामने सामने भी इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर से इस वैल्यू को, इसको इस वैल्यू से, और इसको इस वैल्यू से। पहले क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूछा था, लेकिन एक बार SSC CGL में उसने सामने सामने भी पूछ लिया था। तो हम तीनों पैटर्न मान के चलते हैं कि इसे या तो क्लॉकवाइज सोल्व करेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज, या सामने सामने की वैल्यू से। पहले हम सामने सामने की वैल्यू से देते हैं, यह है 7 या 63। अगर हाँ 7 ना 63 होता है, यह 31, लेकिन 31 से होता है ये नहीं, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर सामने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, वो छोड़ो। अब क्लॉकवाइज देखते हैं, 7, 15, 31। क्लॉकवाइज आपको देखने, ये वैल्यू देखने पता लग रहा होगा 7 बाद 15 आ रहा है, मतलब कुछ दुगना हो रहा है, 15 के बाद 31 ये भी दुगना हो रहा है ना उससे। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, 7 को 2 से करें कितना आएगा 14, लेकिन 14 ये 15 है, अगर एक जोड़ दें तो 15 बन रहा है। आगे देखते हैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो रहा है, लेकिन उसमें अगर एक जोड़ दें 31, मतलब 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी प्रकार 31 दूना 62, 1 63 हो रहा है, इस प्रकार ये वैल्यू आ रही है। तो उससे अगली वैल्यू को देखते हैं ये कैसे होगा, अगर 127 दूना करें तो कितना होगा 254, और 1 करते हैं तो कितना होगा 255, मतलब यहाँ पर क्या आंसर आएगा 255। तो इस तरह के सम को सोल्व करने के यही तरीका होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या सामने सामने, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस आपको पैटर्न पता लग गया ना कैसे सोल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये आज का। बस इसके बाद आप इतना ही करके अब प्रैक्टिस करिए, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से करनी है। अब ये क्वेश्चन देखिए,
जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब फाइनल वैल्यू हरदम ये वाली होगी। फाइनल वैल्यू हमें पता लगी, मतलब हमें इन बाहर इन नंबरों से खेलकर इस वैल्यू को लेकर आना है। तो अब देखते हैं ये वैल्यू आएगी कैसे। अब हम देख रहे हैं ये एक एक दो तीन और ये 15, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन एकदम नंबर बड़ा हुआ ना इससे, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे कैसे लगेगा मल्टीप्लाई का कंसेप्ट। अगर हम तीन को एक से मल्टीप्लाई करते हैं, तीन तीन एक हम तीन दो नीचे, मतलब ये ऐसा हो नहीं हो रहा। जब मल्टीप्लाई आपस में करके नहीं वैल्यू आ रही, तो झट से आपके दिमाग में आना चाहिए इसका स्क्वायर या क्यूब किया होगा। तो कैसे, अब देखते हैं स्क्वायर क्यूब कैसे किया होगा। अगर तीन का स्क्वायर करें कितना होगा, 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1। और इनको आपस में अगर ऐड कर दिया जाए, 9 ये कितना था, 4 9 4 13, 1 14 और 1 15, हाँ आ रहा है ना सर। इसे चलो इसमें भी देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, तो 9 1 10, 10 4 14, 14 16 30, मतलब यही पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पर। अब ये वाला देखते हैं फिर, 2 का 4, 4 का 16, 3 का 9, 5 का 25। तो पहले 16 4 20, 20 25 कितना हुआ, 45, 45 9 कितना हुआ, 54, जिसका आंसर कितना होगा, 54। तो यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता लग गया कि इन तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। थैंक यू।